तो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो हम जो है क्लास 9 का मैथ लेके आए हैं, चैप्टर 7, जिसमें जो है एक अभिगृहित पढ़ाए हैं और दूसरा उदाहरण पढ़ाए हैं, उदाहरण नंबर 1। आज जो है हम लोग उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब जाके जो है समझ में आएगा। तो उदाहरण नंबर 2 आपका कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी जो है एक रेखाखंड है, ठीक है, और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। एल जो है ना इसका लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। यानी जो है ये जो बी सी है, ए बी है, इसको लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब ये जो कोण बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। यदि ए पर स्थित पी कोई बिंदु है, एल पर स्थित कोई बिंदु पी है, तो दर्शाइए कि P बिंदु A और B से समतुल्य है। समतुल्य मतलब क्या होता है, दूर। तो देखो P जो है ना बिंदु, ये A और B से क्या है, समतुल्य है ना, दूर है, हमको यही सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध कब कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग पढ़े हैं साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, ये दो सूत्र होता है और इसी सूत्र के सहायता से हम लोग पढ़ेंगे। और बताइए जब ये लंब समद्विभाजक है और बीच में मध्य बिंदु है, तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक कोई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, अब इसको हम दो भाग में बांटेंगे तो कितना होगा, 5-5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो 5-5 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को जो है हाफ हाफ मिला, आधा आधा मिला, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो उसी तरह जो है ए सी, ये जो भुजा है वो बी सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि यह मध्य बिंदु है सी, तो ए बी का मध्य बिंदु सी है, इसलिए दो बराबर भाग में बांट रहा है, इसलिए ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा। अब पर यहाँ पर देखो रेखा एक इसका लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक इसको दो भागों में बांटता है, तो जितना त्रिभुजिया बनेगा उतना त्रिभुजिया बनेगा। तो ये जो पी सी होगा ये दोनों में घनिष्ठ भुजा होगा, क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज देखो ए सी पी में भी है और बी सी पी में भी है, दोनों त्रिभुज में जो है पी सी आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं घनिष्ठ भुजा, इसे बोलते हैं कोमन। तो यह जो होगा ये दोनों में कोमन होगा। तो देखो यहाँ पर हमको साइड मिल गया, यहाँ पर एंगल मिल गया, यहाँ पर हमको साइड मिल गया, तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज दोनों क्या होगा, श्रमसम हो जाएगा। और जब श्रमसम हो जाएगा तो भुजाएं बराबर हो जाएगा, और जब भुजाएं बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि पी बिंदु ए और बी से क्या है, समतुल्य है, आसान है। देखिए बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो हमको क्या सिद्ध करना है जी, कि पी बिंदु जो है, पी बिंदु, पी बिंदु ए और बी से, ए और बी से समतुल्य है, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए हम दो त्रिभुज लेंगे, यह त्रिभुज लेंगे और यह त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, पी ए सी लिखेंगे, त्रिभुज पी ए सी और इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, पी, इसको ऐसे नहीं मान सकते, ऐसे मान सकते ए सी पी, ए सी पी अगर मानेंगे तो इसे आपको फायदा क्या होगा ना, क्योंकि बीच में कोण बना रहा है 90 डिग्री। अगर पी ए सी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग पी ए सी भी लिख सकते हैं और ए सी पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम पी ए सी लिखे हैं, ऊपर से लाए हैं इसलिए इसको भी ऊपर से मानेंगे, तो पी ए सी तो पी बी सी लिखेंगे, त्रिभुज पी बी सी। नहीं तो अगर लिखते आप ए सी पी, ए सी पी, तो हम इसको लिखते कैसे, बी सी पी, लेकिन हम लिखे ऐसे पी ए सी, इसलिए पी बी सी होगा, आप लिख देंगे मैं, ठीक है। अभी दोनों त्रिभुज का तुलना करो, तो ए सी जो होगा ये किसके बराबर होगा, बी सी के, तो लिखेंगे ए सी बराबर बी सी, ठीक। और जब हमको साइड मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, एंगल है, कौन चाहिए, देखो कौन सी, या इस कोण का नाम क्या होगा, ए सी पी, इस कोण का नाम बी सी पी, तो बाकी कौन ए सी पी, कौन ए सी पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी सी पी के, लेकिन कौन बी सी पी, इन दोनों कोण का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। और देखिए पी सी पी सी दोनों में हम लिख सकते हैं पी सी बराबर पी सी, और पी सी बराबर पी सी क्या होगा, क्योंकि घनिष्ठ हो जाए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और साइड एंगल साइड मिल गया, इसलिए
साइड एंगल साइड संषमता के नियम से, ठीक है, साइड एंगल साइड संषमता के नियम से जो त्रिभुज होगा ये माने हो पी ए सी किसके समान होगा, त्रिभुज पी बी सी के, ठीक है। अब सिद्ध हो गया तो हम लिख सकते हैं ऐसे ना, पी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी बी के, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो पी ए, पी ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी बी के, ठीक है। पी एच किसके बराबर होगा, पी बी के। अब पर आए यहां पर देखो पी बिंदु को, तो पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी को मन का लो लिखेंगे पी बिंदु, पी बिंदु ये है ए और इसमें क्या है, बी लिखेंगे बी, तो पी बिंदु ए और बी से क्या है, समुद्रस्थ से समुद्रस्थ समदूरस्थ है, यही आपको सीख करना था। बहुत आसान है, आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा तो जब आप समझ में आएगा, चलिए नोट कीजिए इसको, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर आप लोग कीजिए।